¿Qué mucho de esto me llamo? De esta chica, y su bien básica, vale, por el Naki Hollywood, muy quiero que barme. Todo eso es lo que hace María, pero yo. De esto, por el Dosa Muniski, Exen, Crime, Drama muy, Chiski Kani Surote, Lincoln Citizen, Champe, Super Vale, Insanko, Opni Super, Power Ka, Istmal Karke, Melor, Kakathanome, Nokria Di, Jare, पर वक्त के चलते हुए नई मशीनों के साथ सुपर पावर वाले इंसानों को अपनी नौकरियों से निकाला जाता है। बाद में हमें इस मूवी में दिखाया जाता है कि कुनर नाम का एक लड़का अपने पास सुपर पावर होने के बावजूद भी एक आम जिंदगी जो जी रहा होता है। वहां पे सिटी में एलपीसीडी यानी कि एक तरह की पुलिस ही जो कि उन इंसानों को गिरफ्तार कर लेती है जो लोग अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल गलत काम के लिए कर रहे होते। इधर कुनर की माँ बीमार होती है और कुनर के पास अच्छी नौकरी भी नहीं होती है, तो वो पैसों की कमाने के लिए वो गलत रास्ते को चुन लेता है। इसके बाद इस मूवी में आगे कुनर के ऊपर क्या क्या होता है और दोस्तों कुनर के ऊपर क्या क्या मुसीबत आते हैं, इसी के बेसिक ऊपर आपको इस मूवी की कहानी देखने को मिलने वाली होती है। बात की जाए इस मूवी के कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट की, तो दोस्तों इस मूवी की कहानी स्टार्टिंग तो अच्छी है पर आगे जाके मूवी एक क्राइम ड्रामा बन के रह जाती है, जो कि इस मूवी की कहानी की अच्छी शुरुआत के बाद भी ये इस मूवी की कहानी बिल्कुल एक तरह से रायता फैला देती है। बात की जाए इस मूवी के क्लाइमेक्स की, तो दोस्तों इस मूवी का क्लाइमेक्स आपको यहाँ पे इतना ज्यादा दमदार देखने को नहीं मिलता है। बात की जाए इस मूवी के वीएफएक्स की, तो दोस्तों मूवी के वीएफएक्स बहुत ही बढ़िया है और दोस्तों इस मूवी के एक्शन सीन्स भी बहुत बढ़िया और अच्छे है। बात की जाए तो मूवी की सुपर स्टार कास्ट की एक्टिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की मेन स्टार कास्ट की तरफ से आपको इतनी बढ़िया दमदार एक्टिंग देखने को नहीं मिलती, क्योंकि मूवी में जहाँ पे इमोशनल सीन आते हैं वहां पे आपको इतने ज्यादा हो ये मूवी आपको इमोशनल करने में कामयाब नहीं होती है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इस मूवी के इमोशनल सीन के साथ आपको कनेक्ट नहीं कर पाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये मूवी मुझे कैसी लगी और दोस्तों आपको ये मूवी देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी ने मुझे निराश किया है, लेकिन दोस्तों मूवी में आने वाले सुपर पावर और वीएफएक्स और एक्शन सीन्स मुझे पसंद आए। तो दोस्तों मेरे लिए ये मूवी इतनी ज्यादा दमदार साबित नहीं हुई, मुझे ये मूवी वन टाइम वॉचेबल लगी है। तो दोस्तों बात करते हैं कि अब आपको ये मूवी देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप साइंस फिक्शन और सुपर नेचुरल क्राइम ड्रामा देखना पसंद करते हैं तो दोस्तों आप ये मूवी एक बार जरूर देख सकते हैं। मूवी आप में से शायद थोड़े बहुत लोगों को पसंद आ सकती है। मूवी में एक जगह पे एडल्ट सीन है, तो दोस्तों आप ये मूवी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो दोस्तों यहीं तक हमारे का ये मूवी रिव्यू। रिव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना, क्योंकि हम इस तरह की मूवी रिव्यू हमारे चैनल पर लाते रहेंगे। तो धन्यवाद।